कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम का विषय है मेरी माटी मेरा देश जी हाँ जहाँ देश की बात होती है तो एकदम से हम नतमस्तक हो जाते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश की माटी को सींचा है कैसे इस माटी में सभी पोषित और पलवित होते हैं कहाँ से वो देश भावना जागृत होती है और वो देश के लिए ताउम्र जो है एक प्रयास करते हैं कि कैसे हम देश सेवा करें और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान से ये सब कुछ सबके सामने रखा है कि किस तरह से वो इस मार्टी के लिए मर मिटे हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के पूर्व सचिव कवि तथा लेखक डॉक्टर कर्म सिंह जी आपका स्वागत है इसमें कार्यक्रम में और साथ हैं श्रीमती संदेश शर्मा जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं शिक्षा विभाग से और आप एक प्रख्यात कवित्री लेखिका और गायिका हैं और मूल रूप से जो बात की जाए आपके बारे में आप एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम का विषय है मेरी माटी मेरा देश इन बातों से ये जाहिर होता है इस विषय से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने देश के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मातृभूमि को अपना कर्मभूमि कर्म भूमि बनाया और वीरों ने सजग होकर देश सेवा की और इसके साथ जो है और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया सबसे पहले डॉक्टर करम सिंह जी ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये जो देश भावना जागृत हुई कैसे कैसे ये प्रयास आगे बढ़ा और आज के इस कार्यक्रम में हम देशभक्ति की जो कविताएं हैं गीत हैं उससे रंग भरने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जी वेद सर्वप्रथम ग्रंथ माने गए हैं ये सार्वभौमिक मान्यता है और वेदों के ईश्वर की रचना कहा गया जहां जहाँ ये उपदेश है स्वराज्याय हमारा जो स्वराज्य है वो हमेशा बना रहना चाहिए समृद्ध होना चाहिए और प्रारंभ से लेकर के अब तक जो भारत वसुंधरा है <coughs> वो विश्व भर को ज्ञान का उपदेश करती आ रही है और यहाँ की जो भौतिक आध्यात्मिक समृद्धि है उसने भी पूरे विश्व को का मार्गदर्शन किया है कालांतर में जब यह देश परतंत्र हुआ तब भी जो ज्ञान की परंपरा है जो हमारी परंपराएं हैं जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर प्रचलित रही हैं और उसमें जो एक जज्बा रहा है वो है मातृभूमि का जहाँ पर रामायण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी बिल्कुल जन्म भूमि और जन्म देने वाली माँ का महत्व सर्वोपरि है इसलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए और जब किसी तरह का कोई संकट आता है तो उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए जो हमारा सुरक्षा का व्यक्ति है नागरिक है सेनानी है वो हमेशा समर्पित भाव से आगे बढ़ता है और उसके मन में एक ही भावना होती मतलब है वो उस भावना से ओतप्रोत है। रहता है और उसके मन में एक ही भावना रहती है इधम राष्ट्रा एदम नममको मेरा शरीर है ये मातृभूमि की देन है देश की धरोहर है माटी की देन है और वो अपनी उस माटी की सुरक्षा के लिए कफन सिर पर बांध करके अपने बलिदान के लिए तैयार होता है और वो लोग सुरक्षाकर्मी वो सैनिक जो विभिन्न रूपों से हमारे देश की रक्षा करते हैं अपने देश की माटी के लिए सर्वस्व निछावर करते हैं वे हमेशा सबके लिए पूजनीय रहते हैं आदर्श रहते हैं आदरणीय रहते हैं इसलिए जो कहा जाता है सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा ये जो भावना है ये प्रत्येक नागरिक में बनी रहनी चाहिए ताकि हमारे देश की जो स्वतंत्रता है देश में जो राष्ट्रप्रेम की भावना है वो हमेशा बनी रहे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर करम सिंह जी आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि माटी के लिए जिस तरह से हमारा समर्पण है और देश के लिए जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर चलती है और हम हित में तमाम कार्य करते हैं संदीप शर्मा जी आपका जो सबसे पहली जो बात आपसे करेंगे आप बहुत अच्छी कविताएं जो हैं वो देश प्रेम के लिए, लिए लिखती रही हैं और उन कविताओं के माध्यम से आपने भिन्न भिन्न मंचों पर ये गीत के माध्यम से प्रस्तुत की हैं आप एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं तो शायद मूल रूप से आपकी भावना वहीं से आपको मिली कि किस तरह से आप जो हैं इस देश प्रेम के लिए इस देश प्रेम की जो कविताएं आपने सृजित की वहां से आप प्रोत्साहित हुई होंगी जी हाँ यह सत्य है कि घर का माहौल देशभक्ति का था स्वतंत्रता सेनानी की बेटी एक सेनानी की पत्नी एक सेनानी की बहन क्योंकि हमारा पूरा ही परिवार देश के लिए समर्पित रहा जी। तो सबसे पहले मैं कविताओं की कड़ी में आपको भारत वंदना पे ले जाऊंगी ए भरत भूमि भारत शत शत नमन करूं ज्योति हृदय की अर्पण बंदन तेरा करूँ से हमें मां भारती तिलक करे लहू से गोलियों से आरती पुण्या पुनीत रज को मस्तक पे हम धरे ज्योति हृदय की अर्पण वंदन तेरा करें हम जिए मरे हमारे देश के लिए सत्यमेव जयते संदेश के लिए बुरी नजर तिरंगे पे पसंद ना करें ज्योति हृदय की अर्पण वंदन तेरा करें अंत बहुत बहुत में झुकाए सर बिछाए दो नयन स्वीकार लो स्वीकार लो नमन तेरे चरण में धरे तर्क ना ज्योति हृदय की अर्पण वंदन तेरा करें बहुत खूब संदीप शर्मा जी आपने बहुत इन फरलेरियों के साथ वाकई इस देश प्रेम को जागृत करने का पूरा पूरा प्रयास किया है धन्यवाद। आपने अपनी कविताओं से संगीत में जो एक साथ जो सुरों का सम्मेलन रखा है सुरों को जोड़ा है वो काबिल तारीफ है क्योंकि आप कविताएं जब पेश करती हैं तो कविताओं में जब सुर साथ लग जाते हैं तो उसको और एक पकड़ मिल जाती है और यही प्रयास भी होता है कि हम अपने माध्यम से कैसे इस देश प्रेम को प्रबल करें अब डॉक्टर करम सिंह जी हम बात करना चाहेंगे कि कई राष्ट्रीय कवियों ने अपने माध्यम से राष्ट्र प्रेम को प्रबल करने के लिए जो है कविताओं के माध्यम से साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से एक विशेष प्रयास किया भिन्न भिन्न आंदोलन हुए उन आंदोलनों से कहीं ना कहीं एक राष्ट्र जागरण शुरू हुआ उसके बारे में जरूर आप स्पष्ट करें किस तरह से उगड़ा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर महाकवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसमें हम मैत्री शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर और बहुत सारे अन्य कवियों का नाम गिना सकते हैं जी। और बाद की धारा में अटल बिहारी वाजपेयी जी और बहुत सारे अन्य कवि हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागरण को प्रवृत्त किया है मुखर किया है और उनकी बहुत सारी रचनाओं पर बहुत सारे गीतों कविताओं पर तो विदेशी शासकों ने प्रतिबंध भी लगाए रखा है और उन रचनाओं को आज भी हम याद करते हैं मैथिली गुप्त के वे शब्द हमें बार बार याद आते हैं भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं वो पत्थर है बहती जिसमें रसधार नहीं, तो नहीं तो जिसमें स्वदेश प्रेम नहीं है नहीं। उस हृदय को पत्थर की उपमा कवि ने दी है तो कवि कितना इसको महत्व देता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्र प्रेम देशभक्ति और जो ये मेरा देश मेरी माटी का जज्बा है ये होना बहुत ज़रूरी है इसी तरह से हम अन्य कवियों को देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जो काव्य जगत में अपना नाम करने वाले हैं उनमें बहुत सारे कवियों ने भी इस तरह की रचनाओं को लिखा है और अगर आप वो साहित्य की बात करें लेखों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के प्रसंग में यशपाल जिन्होंने कथाओं के माध्यम से निबंधों के माध्यम से कालजी रचनाओं के माध्यम से बहुत स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है और क्रांतिकारियों के साथ वो सक्रियता से संलिप्त रहे हैं राष्ट्र के, के लिए योगदान दिया है उसी तरह से और बहुत सारे नाम इसमें लिए जा सकते हैं आपकी स्वयं की भी रचनाएं हैं और आपने भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको मंच पर पेश किया है तो उन तो कविताओं को जरूर सुनना चाहेंगे जो कि रूप में आपने जो है गीत के रूप में भी प्रस्तुत किए जी हाँ परतंत्र होने के बाद या उस समय क्या कवियों का चिंतन रहा और उसके बाद राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनका समर्पण कैसा रहा उसको हम अपने शब्दों में इस तरह से देख सकते हैं हमने देखा गुलामी का मंजर पर गोलियों की बौछारें वीर वीरांगनाओं का बलिदान लाखों सेनानियों की शहादत बहुत अच्छे देश सेवा में अर्पित हो तन मन त्याग बलिदान वीरों की गाथा मुकुट आजादी का सिर सजाना मातृभूमि का श्रृंगार करना मातृभूमि के चरणों में लाखों वीर योद्धाओं ने सिर चढ़ाए दी छाती पर खाए खंजर अब तो अपनी जमी है। बहुत है, बहुत बढ़िया, बढ़िया सर आपने भी अपनी इस कविता के माध्यम <coughs> से वाकई उस देश प्रेम को संदेश करने का प्रयास किया है अब संदेश शर्मा जी जहाँ तक मेरी माटी मेरा देश एक विषय है उस विषय की सार्थकता के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों उस सेना को हम कभी नहीं भूल सकते सी के जवान हैं पुलिस है उनके उस बहुमूल्य योगदान को हम अंकित नहीं कर सकते कि उनका कितना बहुमूल्य योगदान इस देश सेवा में है जहाँ तक पूरे देश की बात है भिन्न भिन्न जवानों ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी उसमें हिमाचल भी पीछे नहीं है जैसे कि हम बात करें कैप्टन विक्रम बत्रा राइफलमैन संजय कुमार ऐसे बहुत सारे शहीद जिन्होंने जो है इस देश को एक अपना नाम दिया है और शहीदों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है तो आंचलिक भाषा में भी ग्रामीण में लोगों ने अपने अपने प्रयासों के साथ जो है देश को आजाद करने के लिए प्रयास किए हैं तो कुछ अपनी यहाँ हमारी हिमाचली भाषा में भी कुछ कविताएं आपने लिखी है उसको भी बिल्कुल आप बिल्कुल सर कभी कभी सोचती हूँ कि यूं ही नहीं बन जाते हैं देशभक्त क्योंकि जब ये सोच पे आते हैं तो मन झकझोर जाता है कि कैसे रहे होंगे लोग कैसा दौर था और कैसी उनकी दौड़ थी तो मैंने अपनी पहाड़ी भाषा में थोड़ा सा स्वागत तु सारी दौड़ न्यारी थी तु सारा दौड़ न्यारा था आजादी खूनारे बदले तो सारा एक वाँगा। ही नारा था mm -hmm. जवानी देती दे जो बनेंगे लाडले बहुत ऐसे लाडले लाडली बन गए सगाई करली माता ने बनेंगे चावले तुसारी जिद रही थी तुसारा सारा जनून न्यारा था आजादी खूनारे बदले तुसारा एक ही नारा, नारा था बहुत तराने लिख दे झेल बि तिना जो गुनगुना दे सजी गे तखत फांसियारे तांबी मुस्करा दे तुरी होश नारी थी तू सारा बहुत क्या बात क्या बात आजादी खूनारे बदले तु सारा एक ही नारा था क्या अलग थे वो लोग बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अलग थे क्योंकि आपकी अनुभूति से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल नजदीक से अपने परिवार में ही जो कि आपका स्वतंत्रता सेनानी का परिवार रहा है वो देशभाव आपके अंदर पूरा इन गीतों के माध्यम से कविता के माध्यम से स्पष्ट होता है अब डॉक्टर करम सिंह जी हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है क्योंकि महिलाएं कहीं पर भी पीछे नहीं रही हैं उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए प्रयास किया तो उसके बारे में ज़रूर आप स्पष्ट करें कि कहाँ हिमाचल में भी ऐसी कई वीरांगनाएँ हुई जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना भरपूर सहयोग किया देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों महिलाओं का योगदान रहा है जी और अगर हम हिमाचल को देखें स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के तो आज़ाद हिंद फौज में और उसके बाद जितनी भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं जी जी। आप पझौता आंदोलन की बात करें सो के सत्याग्रह की बात करें प्रजामंडल के आंदोलनों की बात करें तो उसमें बहुत सारी महिलाओं का योगदान हमको देखने को मिलता है और हिमाचल के संदर्भ में मंडी की रानी खैरागढ़ी दुर्गाबाई आर्य गौरा माता विमला आर्य बहुत सारी इस तरह की महिलाएँ वीरांगनाएँ हिमाचल में रही हैं जिन्होंने प्रजामंडल के माध्यम से इस मूवमेंट को योगदान दिया महात्मा गांधी का शिमला प्रवास हुआ तो महिलाओं ने भी उनके साथ यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया तो ऐसी एक जो रानी है खैरागढ़ से ब्याह करके मंडी में आती है तो उसका अगर एक छोटी से कविता के माध्यम से हम दिग्दर्शन इसमें कर सकते हैं जी स्वागत है आओ हम इतिहास सुनाए खैरागढ़ की रानी का मंडी की महारानी ललिता दीवानी मस्तानी का एक थी रानी खैरागढ़ की खैरागढ़ से ब्याह कर आई मंडे में अत्याचारी अंग्रेजों को था ललकारा राजपाठ सब डूब रहा था शासक की अयाशी में तब ललिता ने देशभक्त वीरों को साथ लिया अपने क्रांतिकारी जन आंदोलन को शाही खजाना लुटा दिया उसने सारा शाही खजाना जो था लुटा दिया वो क्रांतिकारियों के अर्पित कर दिया और देश निकाला मिला रानी को खैरा गढ़ का मार्ग लिया रानी को यहां से निकाल दिया गया अंग्रेजों के साथ मिलकर के तीस साल बाद हार मानी आजादी की जंग लड़ी वापिस मंडी आते आते मार्ग में दम तोड़ दिया जब तक आजादी की ज्वाला प्रचंड रहेगी सीने में तब भाँ? तक रानी ललिता की आज सताएगी तो इस तरह से मंडी की महारानी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और उसके साथ साथ अनेकों आ, महिलाओं को भी उन्होंने प्रेरित किया हुँ, और हुँ। हिमाचल प्रदेश का भी राष्ट्रीय आंदोलन में मेरा देश मेरी माटी इसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है बहुत खूब और ये सच में भी एक बात है कि अगर इन कविताओं को इन देशभक्ति गीतों को जब जनमानस में लाया जाएगा तो तमाम युवाओं को एक प्रेरणा का माध्यम मिलेगा किस तरह से हम इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं कैसे स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कह रहे हैं हमें मुखरता है हर विषय पर बातचीत करने के लिए लेकिन उन वीरों को याद करने का एक मौका हमारे पास होता है विशेष उत्सव होते हैं जब उन वीरों को हम याद करते हैं वैसे तो अगर हम हमेशा उन वीरों को स्मरण करें तो उनकी उस बात में जो है सभी लोगों को जुड़ने का प्रयास मिलता है अभी आ, संदेश शर्मा जी आपसे आपने एक बात कही कि यूं ही वीर नहीं बनते माताओं का बहुत योगदान रहता है ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी कौन सी जीवन घूटी उनको पिलाई गई कि उनके अंदर वो देश भाव जागृत हुआ उन्होंने कैसे उनको पोषण दिया जिससे वो देश प्रेम इतना उनके अंदर प्रबल हो लिया कि जब भी उनको देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने अपना जो है मस्तक मातृभूमि के लिए अर्पण कर दिया तो ऐसी कोई कविता आप क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिसे देश प्रेम जो है प्रबल होता है वीर तो वीर हैं लेकिन वो मां भी कोई वीरांगना होगी जिसने एक वीर को जन्म, जन्म दिया होगा इसलिए मैं सबसे पहले उसको भी क्रेडिट देना चाहूंगी जी जी जरूर कि धन्य है ऐसी जननी मां जिसके उदर जाए तुम आहाहा धन्य है ऐसी जननी माँ जिसके उद्र जाए तुम तुम्हारी खुशन भी थी देश के काम आए तुम दिया ललकार दुश्मन को तुम्हारे हौसले कैसे क्या चढ़ गए छाती पर उनकी दहाड़े शेर के जैसे गोलियां खा के सीने पर जरा ना लड़खड़ाए तुम तुम्हारी खुश नसीबी भी थी देश के काम आए तुम अपने देश की मिट्टी की रखी लाज कुछ ऐसे लहू से खुद ही अपने आप ने लिखी कथा जैसे जमाना याद रखेगा जिसे बस पढ़ ना पाए वा, तुम वा, 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 बहुत क्या बात, तुम्हारी खुशन भी थी देश के काम आए, आए, आए तुम धन्य है ऐसी जननी माँ जिसके उद्र जाए, जाए तुम धन्यवाद बिल्कुल इन गीतों से हम नमन करते हैं उन माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत जो है इस देश के लिए दिए क्योंकि हम उनके सहयोग से उनके वंदन से ही जो है अपने अंदर उस देश प्रेम को अनुभव करते हैं और जहाँ तक भारत को विश्वगुरु की बात की जाती है उसके लिए बहुत से रचनाकारों ने अपनी अपनी कविता से उसको स्पष्ट किया है कि कैसे जो भारत है वो विश्वगुरु बना है और विश्वगुरु रहा है उसके लिए निरंतर जो है प्रयास किया गया और आपकी भी जो कविता है वो शायद इस पर ही निर्भर करती कि आप इस विषय पर जरूर कुछ स्पष्ट करें देखिए भारत विश्व गुरु रहा है प्राचीन समय से और बीच में कुछ अंतराल गुलामी का जरूर रहा लेकिन अब जिस गति से भारत दोबारा से सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए आगे बढ़ता जा रहा है तो फिर से वो विश्वगुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो सपना साकार होता हुआ हमें दिख रहा है जी। किस आधार पर हम विश्वगुरु थे हैं होना चाहते हैं और हो पाएंगे जी जी। वो जी। मैंने जी। इस कविता के माध्यम से कहने का प्रयास किया है स्वागत है वेद पुराण ऋषियों मुनियों की मीठी अमृत वाणी है आहा। राम कृष्ण की पुण्य धरा पर ज्ञान की गंगा बहती है भारत माँ के माथे पर मुक्त सजाना है विश्व गुरु बनने का सपना पूरा करना है अंतरिक्ष में जल में नभ में धाक जमानी है बहुत भारत माँ का मुकुट आज फिर हमें सजाना है बहुत बढ़िया विश्व पटल पर ज्ञान योग का अमृत चखना बाकी है वंदे भारत जय जय भारत नारा गुंजाना बाकी है बहुत बढ़िया इसी मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है और यही जज्बा है जो मेरा देश और मेरी माटी इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है बिल्कुल संदेश शर्मा जी कार्यक्रम के अंत में आपकी देशभक्ति की स्वर लहरियों से ही इसको हम संपन्नता की ओर जाएंगे अगर आप एक गीत जो आपका बहुत चर्चित रहा है ए मेरे बतन, उसको सुनाए तो बहुत ए मेरे वतन बहुत पहले मैंने लिखा था और मैंने अपने स्कूल के बच्चों को तैयार करवाया था जी, जी, जिसकी काफी सराहना हुई थी मैं कोशिश करूंगी है मेरे वतन है मेरे वतन तुझे मैं करूं शत, शत नमन। हा, हा, बहुत बहुत तेरी सरहदों पे बार दू। मैं अपना तन मन और धन है मेरे वतन है मेरे वतन है मेरे वतन तुझे मैं करूं शत शत नमन धरती पे स्वर्ग जो है आहा। तेरी केसरों की क्यारियां जीवन हवाओं मैं भरे नदियों की ये स्वर लहरियां गूंजे तेरे यशगान से भरे विश्व में धरती गगन तेरी शरहदों पे बार दूँ मैं अपना तन मन और धन है मेरे, मेरे वतन है मेरे वतन है मेरे वतन तुझे मैं करूँ शत शत तेरे वीर तेरी शान है जो सरहदों पे कुर्बान है यही मरते दम तक सोचते हो मेरा यहाँ फिर से जन्म वार दूं मैं अपना तन मन और धन हा, 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 हा। है मेरे वतन बहुत खूब संदेश शर्मा जी डॉक्टर करम सिंह जी आपने इन देशभक्ति की स्वर लहरियों से इस कार्यक्रम को जगाया है इस कार्यक्रम में रंग भरे हैं तमाम हमारे दर्शकों तक अपने गीतों कविताओं के माध्यम से उनमें राष्ट्रप्रेम जागृत किया है आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम वागधारा में आज विषय मेरी माटी मेरा देश इस पर हमने एक सार्थक चर्चा की अपने मेहमानों के साथ अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार